द कश्मीर फाइल्स की सक्सेस तो आपने देखी ही, साथ ही इसका विरोध भी एक तबके के द्वारा खूब हुआ। लेकिन जब से द कश्मीर फाइल्स आई है, कश्मीरी पंडितों का 32 साल से दबा हुआ दर्द उभर आया है। हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है। इस फिल्म ने एक क्रांति सी ला दी है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसकी चर्चा बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक पार्टियां लगातार कर रही हैं। अब इसी की चर्चा करते हुए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भावुक हो गई और कहा कि कश्मीरी पंडित ऐसे ही सब कुछ छोड़कर नहीं आए, महिलाओं के साथ बहुत बुरा सलूक हुआ था। दरअसल आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का 27वीं दीक्षांत समारोह मंगलवार को खंडारी परिसर में हुआ। समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में परमार्थ निकेतन आश्रम उत्तराखंड के स्वामी चिदानंद सरस्वती भी शामिल हुए। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म का जिक्र कर दिया। इस दौरान वो भावुक हो गईं। कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा कि कश्मीर से कश्मीरी पंडित अपना सब कुछ छोड़कर यूं ही नहीं आए थे, वहां महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। 1991 में आतंकवादियों ने चुनौती दी थी कि लाल चौक पर आकर झंडा फहराओ। तब एकता यात्रा लाल चौक पर पहुंची। 43 दिन में कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचकर एकता यात्रा में शामिल मैंने भी झंडा लहराया था। आनंदीबेन पटेल जिस एकता यात्रा की बात कर रही हैं, इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे, जिन्होंने लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। अब आप कहेंगे कि हमारे देश में तिरंगा फहराना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन नहीं, उस वक्त कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा फहराना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए दिसंबर 1991 में कन्याकुमारी से एक एकता यात्रा की शुरुआत की गई थी, जो कई राज्यों से होते हुए कश्मीर पहुंची थी। मुरली मनोहर जोशी के साथ उस वक्त नरेंद्र मोदी भी साथ थे। इस यात्रा का नाम एकता यात्रा भी सोच विचार कर रखा गया था, क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश को एक रखने के मकसद से ये किया गया था। एक बड़ी यात्रा थी ये, लगभग सभी राज्यों से होकर गुजरी। मकसद ये था कि तिरंगे को सम्मान मिले और कश्मीर को भारत से अलग नहीं होने दिया जाएगा। सभी समुदायों ने सैकड़ों हजारों झंडे बीजेपी नेताओं को दिए थे, जो ले जाकर लाल चौक पर फहराएं। इस बारे में बात करते हुए उस एकता यात्रा में शामिल एक भाजपा नेता ने बताया कि क्यों मुश्किल था लाल चौक पर तिरंगा फहराना। उनका कहना था कि हमारे तिरंगा फहराने के पहले वहां तिरंगा नहीं फहराया गया था। हम वहां 26 जनवरी तिरंगा फहराना चाहते थे, क्योंकि ठंड में राजधानी बदल जाती थी, लोगों के पास वहां तिरंगे भी नहीं थे। मैंने लोगों से जब पूछा कि तिरंगा कैसे फहराते हैं, तो उन्होंने बताया कि तिरंगा वहां मिलता ही नहीं है। 15 अगस्त को भी झंडा वहां बाजारों में नहीं मिलता। केंद्र सरकार उस वक्त बहुत घबराई हुई थी, उसका वश चलता तो मुझे पहले ही गिरफ्तार कर लेती, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन हासिल था कि वो ऐसा नहीं कर पाई। अगर वो ऐसा करती तो यात्रा को और ज्यादा समर्थन हासिल होता। अब आप समझ गए होंगे कि क्या हालात थे उस वक्त कश्मीर में। ऐसे हालात में जब कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाकर कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश चल रही हो, एक एक नागरिक आतंकियों के निशाने पर हो, तब आतंकियों के द्वारा दी गई चुनौती आनंदीबेन ने स्वीकार की थी और लाल चौक पर तिरंगा फहराया था, जिसका जिक्र वो कर रही थी।